दोस्तों, मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना, जिसमें कि 21 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक सहायता 1,000 रुपए प्रति महीने सरकार देने जा रही है, इस योजना का ट्रेनिंग मिलना शुरू हो चुका है। प्रखंड कार्यालय में प्रशिक्षण आयोजन होना शुरू हो चुका है, तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। एक पेपर कटिंग हमारे पास है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि इससे रिलेटेड प्रशिक्षण अधिकारियों को मिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि बहुत ही जल्द इसके अंतर्गत आवेदन लिया जाएगा और इसके साथ ही लाभुकों का आवेदन को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। तो दोस्तों, ये क्लियर हो चुका है कि इस योजना का आवेदन बहुत ही जल्द लिया जाएगा, क्योंकि प्रशिक्षण मिलना शुरू हो चुका है। प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी वीडियो के माध्यम से इस योजना का प्रशिक्षण अधिकारियों को देना शुरू हो चुका है। तो चलिए विस्तार से हम लोग इस योजना के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर, वेलकम टू किशोर डिजिटल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड लगातार सही इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहां पर स्क्रीन पर एक पेपर कटिंग आपको दिख रहा होगा, जिसमें यहां पर साफ साफ देख सकते हैं और ये आज के न्यूज़पेपर का है। यहाँ पर देख सकते हैं, बरही नगर भवन में मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना के तहत प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। तो जैसा कि यहाँ पे एक फोटो भी आपको दिख रहा होगा, अपने कार्यालय में यहाँ पे अधिकारियों के बीच में एक प्रशिक्षण का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें काफी अधिकारी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनको ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि इस योजना का संचालन कैसे करना है, एंड इससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी इन लोगों को दिया जा रहा है। बहुत ही जल्द अब इन लोगों के माध्यम से सभी लाभुकों से संपर्क किया जाएगा और आवेदन को कलेक्ट किया जाएगा। क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया इस मीटिंग में, चलिए जानते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, बरही नगर भवन में बुधवार को सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा के तहत मुख्यमंत्री बहन बेटी माई कोई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना को लेकर प्रशिक्षण आयोजन किया गया। इसमें मुखिया, पंचायत और पंचायत सचिव और आंगनबाड़ी सेविकाएं शामिल हुई। उक्त कार्यक्रम में अध्यक्षता बीडीओ सह प्रभारी बाल विकास अधिकारी CR इनवार ने किया। संचालन सामाजिक सुरक्षा के डीलिंग असिस्टेंट जितेंद्र रवि, कंप्यूटर ऑपरेटर मोहन मिर्धा ने किया। यहाँ पर देख सकते हैं, इतने अधिकारियों को इस योजना से रिलेटेड यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कैसे आवेदन को कलेक्ट करना है, इस रिलेटेड संपूर्ण जानकारी इनको दिया जा रहा है। मौके पर यहाँ पर देख सकते हैं, सेविकाओं को भी इस योजना के बारे में जानकारी विस्तृत रूप से दिया। साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं, योजना को सफल बनाने के लिए आवेदन भरवाने को कहा गया। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार की महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से यह मुख्यमंत्री बहन बेटी माई कोई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत लाभुकों को प्रति माह 1,000 रुपए की दर से आर्थिक सहायता किया जाएगा। वहीं संचालनकर्ता ने इसका विस्तृत जानकारी दिया। तो देख सकते हैं, ये बहुत ही बड़ी अपडेट है लाभुकों के लिए। सभी को प्रशिक्षण मिलना शुरू हो चुका है। जिन जिन अधिकारियों को इस योजना के अंतर्गत आवेदन को कलेक्ट करने के लिए लगाया जाएगा, सबको यहाँ पे प्रशिक्षण देना शुरू हो चुका है। एंड सभी को यहाँ पे बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द आप लोग आवेदन को कलेक्ट कर लीजिए। अब बहुत ही जल्द आप सभी से इस योजना के अंतर्गत आवेदन लिया जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग मिलना शुरू हो चुका है, प्रशिक्षण देना इन लोगों को शुरू हो चुका है। 21 वर्ष जिनका आयु हो चुका है और 50 वर्ष से कम है, उन सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड से बैंक अकाउंट आपका लिंक होना चाहिए, ज्वाइन खाता आपका नहीं होना चाहिए, सिंगल बैंक खाता आपको लगेंगे। ऐसा नहीं कि पति पत्नी का ज्वाइन खाता या किसी के साथ ज्वाइन खाता है तो वो बैंक खाता आपका नहीं चलेगा। और जो भी बैंक खाता आप दे रहे हैं, उसमें आपका आधार लिंक होना चाहिए। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। मतदाता पहचान पत्र आपको देना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको राशन कार्ड भी देना पड़ेगा। कोई भी राशन कार्ड है, लाल, हरा, सफेद, पीला, कोई भी है, आपको राशन कार्ड भी इसमें देना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज का फोटो, एक घोषणा पत्र। घोषणा पत्र जैसे हमारे पास आती है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से मैं आप सभी को उपलब्ध करा दूंगा। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हुआ है, तो फटाफट से जाके क्लिक करके उसमें ज्वाइन हो जाइए। पहले से किसी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वर्तमान या भूतपूर्व विधायक या सांसद जिस परिवार के कोई सदस्य रह चुके हैं, उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कोई सरकारी नौकरी वाले परिवार या पहले से किसी सरकारी नौकरी का पेंशन या कोई भी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार को कर अदा कर रहे हैं तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो डिटेल्स में आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन तो इस वीडियो के माध्यम से मिला। विस्तृत रूप से जानकारी के लिए आई बटन पे एक लिंक दिख रहा होगा, उसमें इस योजना से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी से रिलेटेड अलग अलग वीडियो जो भी मैंने डाला हुआ है इस चैनल पे, हर एक वीडियो केवल इसी लिंक पर मिल जाएंगे। तो क्लिक करके संपूर्ण वीडियो को देख लीजिए एंड इस योजना से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत जितने भी लाभुक योग्य हैं, उन सभी के लिए बड़ी न्यूज है। आवेदन का प्रोसेस बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए एंड ऐसे ही सरकारी योजना से रिलेटेड लगातार सही अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट ऑफिसर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।